हेलो ऑल ऑफ यू हमने ब्रेक के पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 उससे पहले जो आपको कल होमवर्क दिया था उसमें जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसका आपका स्टॉक 30,500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड या इस थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ पे जैसे थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेगा ये स्टॉक थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ओके नाउ अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से आरटीपी में 2018 में क्वेश्चन आया है और ये कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं आया तो पॉसिबिलिटी बहुत है कि कोई एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन। आ जाए और थोड़ा सा अलग स्टॉक वॉज डैमेज द फायर मेक द फर्म मेक्स अकाउंट अप टू थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी सिक्सटीन द स्टॉक

क्यों पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक भी दे मतलब रहा है मतलब यहां पे उसने ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट प्रॉफिट अब आगे कहते हैं परचेज फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल सॉरी फॉर द फुलर टू थाउंडीन सिक्सटी and and corresponding sales figure were were rupees 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 lakh respectively. You are given given the 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 following further information in in July 2016, the goods costing 50, were given away for advertisement advertising purpose no entries being made in the books. तो एडजस्ट करेंगे आपको जुलाई दो हजार सोलह मतलब यहाँ पे जुलाई दो हजार इस साल, इस, साल की बात कर रहा है, 2015, uh, 2016, 17 की, okay?

रेट नहीं दिया लेकिन कहा कॉन्स्टेंट हम भी वही मानते कि जो पिछले साल का जीपी रेशो वही जीपी रेशो स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में कि जीपी बदलाता तो वो लेंगे अदरवाइज कुछ नहीं बोला तो हम यही मानते कि जो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वही ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इस साल भी रहेगा अब मैं यहाँ पे कह यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर विद द हेल्प ऑफ अवर इन्फॉर्मेशन तो सबसे पहले अप्रोच क्या होंगे हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और उसके बाद यहां पर आइटम्स नहीं है तो नॉर्मल मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनेगा और उसके बाद फिर आपका वर्किंग नोट नंबर वन विल बी द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर वाई टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और जो पॉइंट हाईलाइट किया उस पे मैं डिस्कस करूंगा सो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पेज नंबर फोर्टीन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फॉर द पीरियड फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2016 थाउजेंड सिक्सटीन टू ऑफ जनवरी 2017 इसको आप ड्रॉ करो पांच छह लाइन का छह सात लाइन का ड्रॉ करेगी अमाउंट अमाउंट डेबिट क्रेडिट ओके अब इसके बाद यहां पे आप थोड़ा सा स्पेस रखना आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और वैसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा अच्छा यही पूछा है सिर्फ ठीक है उसने क्वेश्चन में सिर्फ पूछा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड बस इतना पूछा कि वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब अपने को वो सब कैलकुलेट नहीं करना है इस क्वेश्चन में कि वो अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक एवरेज लॉस नहीं बस बोला कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वो निकालना है तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से निकल जाएगा तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इसके बाद एक दो लाइन का स्पेस रखना और उसके बाद फिर वर्किंग नोट बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर वन

इसको ज्यादा नहीं चार पांच लाइन का सिर्फ ड्रॉ करेंगे आप चार पांच लाइन का सिर्फ ड्रॉ करेंगे इसको ओके

एज अगेंस्ट फोर एटी वन वन हंड्रेड वन थर्टी फोर्ट मार्टिफ्टीन इकतीस दो हजार पंद्रह का क्लोजिंग स्टॉक मतलब एक अप्रैल दो हजार अप्रैल दो हजार पंद्रह मतलब ओपनिंग स्टॉक पिछले फाइनेंशियल ईयर का तो आप बराबर यहां पर लिखेंगे ओके सो यहां पर आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक फोर लाख एटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एक लाइन के स्पेस रखेंगे फिर यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पिछले साल का वो आपका सिक्स सिक्सटी थ्री सिक्स हंड्रेड सिक्स लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड सिक्स लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ओके फिगर्स बराबर लिखना है उसके बाद यहां पे हमसे कहता है परचेजेस परचेजेस फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सिक्सटीन टू द डेट ऑफ फायर वेर रुपीज सेवेंटीन लाख फोर्टी वन थाउजेंड थ्री फिफ्टी मतलब इस साल का एक अप्रैल सोलह सत्रह इस साल है टू द डेट ऑफ है पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था इस साल का क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक तो आप यहां पे लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक सिक्स लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और यहां पे टू परचेजेस जो हमको दिया है इस साल का वो दिया उसने सेवनटीन लाख फोर्टी वन थ्री फिफ्टी सेवेंटी लाख फोर्टी थ्री फिफ्टी और फिर वहां पे एज अगेंस्ट ट्वेंटीड फॉर द फुल ईयर फिफ्टीन सिक्सटी मतलब पिछले साल का बाईस लाख बासठ ट्वेंटी टू लाख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आप पिछले साल के इसमें लिखेंगे परचेजेस

ट्वेंटी फोर लाख फिफ्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो आपको दी हुई है वो इनर कॉलम पे लिखा क्यों क्योंकि जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया वो सेल्स 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 कुछ अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड है 16 सत्रह में इस साल तो हमको लिखना रहेगा इसीलिए वहां पर हमने इनर कॉलम में मैंने यहाँ पे लिखा इसीलिए आपने कौन से कॉलम में लिखे उसको इनर कॉलम पे यहाँ पे लिखे हो उसमें एडजस्टमेंट आएगा क्योंकि फिर आगे हमसे कहते हैं कि छब्बीस लाख रुपए फिर वो पिछले साल का सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखोगे सेल्स सेल्स 26 लाख रुपए का 26 सिक्स लैक्स रुपीज का आपने सेल्स लिखे ओके उसके बाद आपका यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या था फिर इन जुलाई 2016, तो जुलाई 2016 मतलब 16-17 वाले फाइनेंशियल इस साल, जिस साल आग लगी है इन जुलाई 2016 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज फिफ्टी थाउजेंड गिवन अवे फॉर एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजिंग पर्पज नो एंट्रीज बी मेड इन द बुक्स तो अपने को क्या करना पड़ेगा परचेज है एडवर्टीजमेंट पर तो अपन क्या करेंगे इसमें परचेज में से माइनस करेंगे तो एक चीज हो सकता है कि गुड्स यूज़ अकाउंट एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं तो कितना अमाउंट है वो पचास हजार रुपए आउटर कॉलम पे आएगा सेवनटीन लाख फोर्टी वन थ्री फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड तो ये आता सिक्सटीन 16,91,350, वन थ्री फिफ्टी सिक्सटीन नाइनटी वन थ्री लाख नाइन थाउजेंड थ्री फिफ्टी ओके सिक्सटीन लाख नाइनटी वन थाउजेंड थ्री फिफ्टी आप लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे साथ में ओके okay. सब लोग को लिख रहे नहीं लिख रहे सिक्सटीन लाख नाइनटी वन थाउजेंड थ्री फिफ्टी तो ये हमारा आ गया एडजस्टेड परचेज फ्री सैंपल एक तो ही आइटम और ये फ्री सैंपल आप इसको क्रेडिट में भी लिखते तो वो भी चलता है okay, क्योंकि net effect बराबर आएगा। okay, अब ध्यान से बोथ आर करेक्ट बोथ आर करेक्ट है। यहां लिख इसमें से माइनस करो क्रेडिट करो बोथ आर करेक्ट अब उसके बाद यहां पे ये इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आपका ध्यान से मेरी बात आप सुनेंगे आपको जो क्वेश्चन पे यहां पे

कि यहां पे हम लोगों को कि जो क्लर्क था वो हर हफ्ते ऑन एन एवरेज हर हफ्ते ऑन एन एवरेज एक हजार रुपए चोरी कर रहा है कैश सेल होता था अब सपोज कोई क्लर्क बैठा है अब मैं सपोज एग्जाम्पल क्लर्क है तो कैश सेल होता था उसके पास आता था तो कैश सेल की एंट्री नहीं पास करता था अनरिकॉर्डेड तो कितना पूरे कैश सेल नहीं हर हफ्ते वो कहता है कि एक हजार रुपए वो चोरी कर लेता था मतलब वो रिकॉर्ड नहीं करता था अब भाई सेल्स तो हुआ है गुड्स तो हमारे पास से कम होता है तो उस पर एक वर्किंग नोट बना लेते मैं पहले आप इसको रफली समझाता हूं वर्किंग नोट बनाता है सोलह को उसको नौकरी से निकाले जब तक उसने चोरी किया सो so, अप्रैल मंथ से शुरू किया तो अप्रैल मंथ में कितने आते थर्टी थर्टी डेज मे में कितने डेज आते थर्टी डेज मे में कितने आते आपके थर्टी वन डेज

तो आपके 140 डेज आते एक हफ्ते में सात दिन होते तो वो वन फोर्टी करो तो 20 वीक्स तक वो चोरी करता रहा वेरी गुड जिसने 20 वीक्स आंसर दिया वेरी गुड ओके ट्वेंटी पर वीक एक हफ्ते का हजार रुपये वो चोरी कर रहा था तो 20 हफ्ते एक हफ्ते का हजार तो बीस हजार रुपए आपका आ जाता है जो कि अनरिकॉर्डेड सेल है तो अब इसमें वर्किंग नोट बनाऊ रफली लिखा बीस हजार रुपए का अनरिकॉर्डेड सेल है तो ये क्या करना पड़ेगा आपको अनरिकॉर्डेड सेल जो आपका बीस हजार रुपए इसको आपको लिखना पड़ेगा तो सेल्स की फिगर इसलिए जानबूझ के मैंने यहां पे इनर कॉलम में लिखा था इसमें बीस हजार रुपए एड होगा लेकिन वर्किंग नोट बना लेंगे तो वर्किंग नोट नंबर वन था उसके नीचे आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सब लिखोगे तो इसके नीचे चार पांच लाइन का स्पेस रखना और फिर आपने वर्किंग नोट नंबर टू बनाना सो वर्किंग नोट नंबर टू वर्किंग नोट नंबर टू

तो ये कितना है था वन ट्वेंटी कितना थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस एटीन वन फोर्टी डेज था वन फोर्टी डेज सो नंबर ऑफ वीक्स वन फोर्टी डेज डिवाइडेड बाय सेवन डेज होते ना एक वीक में तो कितना होगा 20 weeks वहां पे वो हजार ₹1000 पर वीक दिए इसलिए अपने को नंबर ऑफ वीक्स निकालना पड़ रहा है 1 मिनट जस्ट 1 मिनट आई डोंट नो व्हाई अब दिख रहा है स्क्रीन पे ओके okay. <clears throat> तो 20 वीक्स हुआ आपका ओके okay. 20 वीक्स हुआ आपका तो क्यों आपने ने वीक में इसको कन्वर्ट करें डेज को 140 डेज को क्यों वीक में करें क्योंकि इसने बोला कि हजार ₹1000 पर वीक बोला उसने ठीक है इसलिए वीक्स में लिया तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट अमाउंट ऑफ डिफॉल्टेशन इक्वल्स टू रुपीज वन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी वीक्स तो यह आ जाता है बीस हजार रुपए यह आ जाता है आपका ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज तो यह बीस हजार रुपए का अनरिकॉर्डेड सेल्स था तो बीस हजार रुपए अपन सेल्स की फिगर में एड कर दें इतना आप लिखेंगे <coughs> ओके okay. देखिए आपने ट्वेंटी थाउजेंड तो अमाउंट ऑफ डिफॉल्टेशन इज ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज हजार रुपए किसकी फिगर्स में जाएंगे सेल्स की फिगर में देंगे ओके okay. अब यहां पे सेल्स की फिगर इस साल के इसमें आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग में जाओगे और यहां पे आप लिखोगे बीस हजार रुपये बीस हजार ट्वेंटी फोर लाख फिफ्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस ट्वेंटी दैट्स कम ये वर्किंग नोट नंबर टू में कैलकुलेट किया ट्वेंटी फोर लाख सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेल्स की फिगर लिख ली अब यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अब सिर्फ अपने को ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है यहां पे तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे छब्बीस लाख और ये थर्टी टू लाख

Equals to gross profit divided by sales multiplied by hundred. The gross profit is how Fifty two lakhs. Sales is Twenty six lakhs. No, Sorry, 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 sorry. Fifty two lakhs. Five lakh twenty thousand. This is five lakh twenty thousand. Okay, just one minute. करेक्शन है फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड लाख ट्वेंटी वही तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल से ज्यादा कैसे हो सकता है तो राइट डाउन लाख ओके सो डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड द्वेंटी परसेंट तो आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट शियो इज ट्वेंटी परसेंट फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट करेक्ट जो जवाब दे रहे ट्वेंटी परसेंट सही ओके okay. अब क्या करेंगे अपनी ट्वेंटी परसेंट आ गया तब यहां पे अपन ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेंटी फोर लाख सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट ये वर्किंग नोट नंबर अभी वन में 78,500 का ट्वेंटी परसेंट यारेड नाउ वी कैन फाइंड आउट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर सिक्स लाख सिक्सटी थ्री सिक्स हंड्रेड वन थ्री फिफ्टी प्लस फोर नाइनटी फाइव सेवन हंड्रेड तो ये आ गया आपका ट्वेंटी एट लाख फिफ्टी थाउजेंड सिक्स फिफ्टी तो यार आपका थ्री लाख सेवेंटी टू थाउजेंड वन फिफ्टी बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अरे भाई यहां पे क्वेश्चन में क्लेम नहीं पूछा उसने स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर पूछा ओके करेक्ट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर तो आप यहां पे लिख लेंगे स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर थ्री लैख सेवेंटी टू थाउजेंड वन फिफ्टी करेक्ट आंसर अब क्वेश्चन में अपने को उसने पूछा ही तो value, ये सब क्वेश्चन में दिया नहीं वैसे तो सिंपल था क्वेश्चन लेकिन जो इस क्वेश्चन में आपने नया पॉइंट सीखे पॉइंट था आपका जो वो जो अनरिकॉर्डेड कैश हर हफ्ते जो एक एक हजार रुपए की जो चोरी हो रही थी वह आपका एक नया पॉइंट इस क्वेश्चन में

एक सेकेंड ये देखो ये क्वेश्चन नंबर थर्टी ओके अब यहां पे स्टॉक एज ऑन फर्स्ट ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड साल के शुरुआत का स्टॉक दिया उसने अब देखो इस क्वेश्चन में ना उसने डेट ऑफ फायर ये सब नहीं लिखा हुआ इस क्वेश्चन में उसने क्या उसने ये कहा है कहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखते यहाँ पे तो उसने ये बताया कि भाई असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक साल के आखिरी में स्टॉक की क्या वैल्यू थी बस वो निकालने अल्टीमेटली वही है ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते उससे अपन फाइंड आउट करते अब यहाँ पे देखेंगे लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में स्टॉक उसने दिया एज ऑन फर्स्ट अप्रैल इलेवन ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर यहाँ पे उसने क्वेश्चन में अपने को परचेज दिया वन लाख फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थर्टी थाउजेंड सेलिंग एक्सपेंसेस 12,100 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 6,000 और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 4,300 सेल्स 2,49,000 अब आप मेरे को बताओ मुझे तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ आयर बोलो वही क्लोजिंग स्टॉक ही होता है तो वो जब मैं फाइंड आउट करो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं मैंने क्वेश्चन लेने का पर्पज ही था इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो तीन फिगर थे आप तीन आइटम जो आपका सेलिंग एक्सपेंसिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या ये तीन आइटम मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो क्या ये तीन आइटम वहां पर आएंगे क्या yes, no, आंसर यस और नो में आप मुझे जवाब दो सेलिंग एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंस क्या मैं अभी क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा तो तीन आइटम वहां पर आएंगे क्या ये आप यस और नो में जवाब दो मुझे नो 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 सर क्यों करेक्ट आंसर ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये कहां पे जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में

रिलेटिंग टू दिस आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग दॉ ट्वेंटी तो यहाँ पे क्वेश्चन में ख्याल रखना, ये abnormal item है पे, तो वो अपने को वही तीनों कॉलम बनेंगे नॉर्मल एबनॉर्मल और टोटल का ये चीज आप यहां पे ख्याल रखेंगे कि यहां पर उसने कहा कि दस हजार रुपए का एबनॉर्मल आइटम है और दस हजार रुपए के पूरा का पूरा एबनॉर्मल आइटम को बेच दिया इस क्वेश्चन में तो स्टॉक एबनॉर्मल आइटम का एबनॉर्मल आइटम का स्टॉक कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि पूरा बेचा तो जब उसने बेचा जिसकी कॉस्ट थी दस हजार रुपए और उसने एक हजार उसको सेल अच्छा सेल वैल्यू दे दिया सेल किया उसने नौ हजार रुपए में तो लॉस हो गया ना दस हजार की चीज को नौ हजार में बेचा तो लॉस हो गया आपका वन थाउजेंड रुपीज ठीक है और यहाँ पे जब आप ओपनिंग स्टॉक रखेंगे तो याद रखना पिछले साल उसने तीन हजार पांच सौ को फिर राइट ऑफ किया था तो अपने को ओरिजिनल कॉस्ट पे लाना रहता है ओपनिंग तो स्टॉक में तीन हजार पांच सौ ओपन क्या करेंगे एड ओके सब आप जाएंगे और वहां पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व राइट डाउन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फोर्टी ओके Memorandum Trading Account. 13. Okay, this question number 13. Okay, Memorandum Trading Account for the year ended. ड्रॉ करेंगे इसको सात आठ लाइन का नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल नॉर्मल abnormal, total. ओके okay. आपको पता है जब एबनॉर्मल वाला आइटम है सबसे पहले कहां लिखते हैं अपन टोटल वाले कॉलम में फिर एबनॉर्मल वाले को और फिर नॉर्मल वाले कॉलम में लिखना ठीक है एग्जाम में ऐसा मत लिख के आ जाना वो आपकी समझ के लिए मैं यहां पे लिखता हूं ओके ड्रॉ किया राइट डाउन सबसे पहले अपने को यहां पे उसने जो ओपनिंग स्टॉक दिया ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेकिन गड़बड़ नहीं करना यहां पे क्वेश्चन में उसने यहां पे अपने को बोला पिछले साल जो राइट ऑफ करता तीन हजार पांच सौ तो वो भी एड करेंगे सो राइट डाउन टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो आएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो वह आ गया आपका थर्टी टू थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड अब ये देखो कि 32,000 में एबनॉर्मल आइटम कितना है तो क्वेश्चन भी उसने अपने को बताया कि एबनॉर्मल आइटम कितना है यहाँ पे एबनॉर्मल आइटम दस हजार रुपए क्वेश्चन में कितने का दस हजार रुपए का एबनॉर्मल so, आइटम आप यहां पे लिखोगे दस हजार रुपए का इसमें थर्टी टू में थर्टी टू थाउजॉर्मल दस हजार का हुआ बावीस हजार रुपए का ओके okay. अब क्वेश्चन में परचेज दिया है वन लाख फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है so, सो आप यहाँ लिखोगे टू परचेज वन लाख फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन लाख फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके वन लाख फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस थर्टी थाउजेंड तो आप यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिज जो कि आपका थर्टी थाउजेंड रुपीज का थर्टी थाउजेंड उसके बाद जो सेलिंग एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंस वो कौन सा आइटम है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो कहां पे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसके बाद सेल्स आपका टू फोर्टी टू लाख फोर्टी नाइन थाउजेंड लेकिन ख्याल रखना है नौ हजार रुपए का और एक हजार रुपए का लॉस है तो आइटम का सेल्स नौ हजार रुपए तो यह आगे आपका दो लाख चालीस हजार रुपये और लॉस कितने का है लॉस का जो अमाउंट है वो वन थाउजेंड रुपीज है अब सिंपल है अब जल्दी-जल्दी क्वेश्चन जल्दी होते हैं शुरुआत में थोड़ा समय लगता है एक-एक चीज एक्सप्लेन करने इससे काफी चीज रिपीट होती है बस एक कुछ पॉइंट्स न्यू आते हैं उसमें ओके okay. अब यहाँ पे आप ये हमने लिख ली अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको एब्नॉर्मल आइटम का भी लिख लिया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको कितना है? 20% ऑन सेल्स तो यहां पे लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट 240000 का 20% दो लाख चालीस हजार का ट्वेंटी परसेंट यह आता है आपका फोर्टी एट थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड सो यहां पे आप टोटल करेंगे ट्वेंटी टू थाउजेंड प्लस वन फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड प्लस थर्टी थाउजेंड प्लस फोर्टी एट थाउजेंड तो यहाँ आप टू लाख फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये दस हजार तो ये आएगा 260 टू 500, 260 टू 500. ओके वेरी गुड क्लोजिंग स्टॉक के बच्चों ने आंसर बताया 250 टू 500. ये 10,000 और ये 260 टू 500. यहां पे क्लोजिंग स्टॉक जो कि बैलेंसिंग फिगर है वो आ रही है आपकी बारह हजार पांच सौ एब नॉर्मल आइटम कुछ भी नहीं था बारह हजार क्वेश्चन खत्म बस इतना ही था हाँ हाँ इतना ही था अब आप नीचे लिख लो बस वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व वॉज रुपीस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके एक नोट लिख लो आप नीचे Selling expenses, Selling expenses, Administration, Expenses, and Financial expenses are indirect expenses. Are indirect expenses? It will be recorded in profit and loss account, therefore. Not recorded in trading account. Okay, so यहां पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर थर्टी इतना सा हाँ इतना सा हो सकता है आपके अटेम्प्ट में आ जाए तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमारा यहां पे खत्म होता है सिंपल क्वेश्चन है ओके okay. अब थोड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन छोटे छोटे कंसेप्ट आ रहे उस प्लेब्स को ओके सो ये आप सबने लिख ली क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमारा यहां पे खत्म होता है नाउ नेक्स्ट देखो आज आपको फिर होमवर्क दिया जाएगा होमवर्क आपको मिलेगा और आपको होमवर्क बराबर करना है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो आपको प्रीवियस सेशन में होमवर्क दिया तो आज आप करके आए है ना बराबर करे आप उसी तरह जब मैं आज आपको जब होमवर्क दूंगा तो आपको नेक्स्ट सेशन जब होगा उसके पहले आप करके आना करना खुद से ऑनेस्ट हो अब वन बच्चे तो नहीं स्कूल के इलेवन ट्वेल्व के बच्चे तो नहीं फोर्स करना पड़ेगा बार बार करो 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 कोई चेक तो नहीं करेंगे नोटबुक जैसे स्कूल में करा कर सी ए इंटर के स्टूडेंट हो आप लोग मैच्योर हो आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा अभी फाउंडेशन से क्या अभी, अभी अभी आया तो अभी ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे रहते हो आप लोग अभी छोटे ही रहते हो तो मगर अब धीरे धीरे अपने को सिंसियर होना पड़ेगा तो जो होमवर्क दिया जाता है वो रेगुलर करेंगे ओके अब ओके अब पे होमवर्क में कुछ अगर डाउट होता पूछो लेकिन आपको मैंने बोला क्वेश्चन वाली बात नहीं, नहीं। कहां ये भी कोई कहने वाली बात है कि यहां पे पता है थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ नीचे भी थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही लिखा हुआ है तो समझ में आता कि यहाँ 30, 500 है थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड था ओके अब उसके बाद हम लोग आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अब आप हर बात को मेरी बहुत ध्यान से सुनेंगे ये मे 2008 में ऐसा क्वेश्चन आया उसके बाद जमाना हो गया ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है तो हो सकता है कोई भी अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो मैंने ऑब्जर्व किया जो बहुत पुराने क्वेश्चन है वो भी, भी बीच बीच में रिसेंटली पूछा है तो हो सकता है ये भी बहुत पहले पूछा है मे टू में तो उसके बाद ये पूछा ही नहीं इस तरह क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें आप एक नया पॉइंट सीखने जाओगे

एक अप्रैल दो नहीं एक ग्यारह नवंबर दो हजार सात हाँ ये साल तो हमारा यहां से शुरू होगा ना एक अप्रैल दो हजार सात से शुरू होगा तो ये वाला साल हमारा शुरू होता है एक अप्रैल दो हजार सात खत्म होता है इकतीस मार्च दो हजार आठ डेट ऑफ फायर आयरअ नवम्बर दो हजार सात तो यहां का स्टॉक दिया उसने एक चार दो हजार छ यहाँ का स्टॉक दिया मतलब पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक दिया है तो इशारा समझ जाओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा और हमको क्या करना पड़ेगा जीपी रेशो कैलकुलेट करने के लिए पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो स्टॉक थाउजेंड का हमको परचेज भी दिया उसके बाद सेल्स फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल्स टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवन हमको सेल्स भी दिया और स्टॉक एज ऑन 31 मार्च टू थाउजेंड दिया तो हम ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल का कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद जीपी रेशियो फाइंड आउट करेंगे फिर यहाँ पर भी उसने अपने को और, यहां का दिया। 2007 11th 2007 और उसके बाद सेल्स फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रेल टू थाउजेंड सेल्स भी उसने अपने को यहां पे दे दिया। इस साल का जिस दिन इस साल आग लगी

रुपीस फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब अच्छे से समझेंगे इस पॉइंट को तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई क्वेश्चन नंबर ये फोर्टीन ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पेज नंबर फिफ्टीन ओके देखो अब ध्यान से मैं एबनॉर्मल के एबनॉर्मल लॉस के बारे में पहले आपसे डिस्कशन कर रहा हूं तो एबनॉर्मल आइटम जो था एबनॉर्मल आइटम वो कितने हजार रुपए के बाविस हजार रुपए के एबनॉर्मल आइटम कितने बाईस हजार रुपए के वो कहता है वो पिछले साल राइट ऑफ किया वो एक अलग पॉइंट है वो ग्यारह हजार रुपए का राइट ऑफ किया तो अपन बैक कर देंगे तो पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में अब वो कहता है इसका फिफ्टी परसेंट उसने सेल किया तो फिफ्टी परसेंट सेल्स किया मतलब स्टॉक में कितने परसेंट रखा हुआ है फिफ्टी परसेंट हमारे स्टॉक में रखा हुआ है तो मैंने कहा फिफ्टी परसेंट सेल्स किया तो कि, उसकी कॉस्ट कितनी है तो सिंपल सी चीज है बाईस हजार रुपए की कॉस्ट थी उसका टोटल कॉस्ट बाईस हजार थी उसका फिफ्टी परसेंट अगर मैं लू तो ग्यारह हजार रुपए की कॉस्ट थी ठीक है अब वो हमसे कहता है कि मैंने इन जून टू अबाउट फिफ्टी ऑफ दिस स्टॉक वो सोल्ड पचास सोल्ड करे फोर रुपीज मैंने उसको बेचा पांच हजार पांच सौ रुपए में तो लॉस कितना हुआ है बेचने पे ग्यारह हजार की चीज को पांच हजार पांच सौ रुपए में मैंने बेचा तो लॉस कितना हुआ लॉस हो गया पांच हजार पांच सौ सिंपल अभी तक कुछ नया नहीं ठीक है सर बाविस हजार रुपए था उसमें से फिफ्टी परसेंट मतलब ग्यारह हजार की चीज को पांच हजार पाँच सौ में बेचा तो पाँच हजार पाँच सौ का क्या हो गया नुकसान अब मैं आया क्लोजिंग स्टॉक पे तो ये क्लोजिंग स्टॉक की अगर अपन कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इसकी भी 50 है, तो ये भी आपका ग्यारह हजार रुपए कॉस्ट आ रही है ग्यारह हजार रुपये की कॉस्ट आ रही तो जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते तो मैंने आपसे कहा कि स्टॉक को हम फुल कॉस्ट पे लिखते फुल कॉस्ट पे लिखते तो मगर ये क्वेश्चन में एक नई चीज जो आपकी आने वाली वो कहता है कि इन जून टू थाउजेंड द बैलेंस ऑफ ऑब्सोलेट स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द सेम प्राइस दैट इज प्राइसेंट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट अब देखो क्या होता था अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे अपन ने उसमें जो ये क्लोजिंग स्टॉक आता था जैसे यहाँ पे भी ग्यारह हजार जितने भी क्वेश्चन पढ़े ने एबनॉर्मल आइटम के उसमें ये लिखा होता था कि क्लोजिंग स्टॉक जो एबनॉर्मल आइटम के उसकी वही मार्केट वैल्यू उत्ती उत्ते में बिकेगा तो मगर ये क्वेश्चन में कहता है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आप लोग का का जो क्लोजिंग स्टॉक है मार्केट में लेकिन इसको बेचने जाओ तो इसकी भी कीमत सिर्फ फिफ्टी परसेंट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है तो मैं इसकी यहां पे ओरिजिनल कॉस्ट अगर मैं यहां पे देखू ओरिजिनल कॉस्ट कितनी यहां पे ग्यारह हजार रुपये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है लेकिन वो कहता है कि मार्केट में मैं इसको बेचने जाऊ मार्केट में मैं इसको बेचने जाऊं तो ये 50 परसेंट पे ही बिकेगा मतलब इसे भी जब मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो मार्केट कितनी इसकी वैल्यू वो सेम एक्सपेक्टेड टू रियलाइज रियलाइजेबल वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू अगर मैं इसकी बोलू वो रियलाइजेबल वैल्यू फिफ्टी परसेंट ही है फिफ्टी परसेंट किसका कॉस्ट का ग्यारह हजार रुपए तो पांच हजार पांच सौ में ही मार्केट में बिकेंगी अगर आज मैं अब नॉर्मल आइटम को बेचने जाऊं जिस दिन आग लगी स्टॉक में रखा था तो पांच हजार पांच सौ में बिकेंगे ये आपने एक नया पॉइंट सीखे पिछले क्वेश्चन में कभी भी एबनॉर्मल आइटम के क्लोजिंग स्टॉक का ऐसा ही हमेशा कहा कि उसकी वैल्यू जो कॉस्ट है ग्यारह हजार रुपए उसका फिफ्टी परसेंट पे ही बिकेगा तो वो होता है पांच हजार पांच सो तो मैंने हाईलाइट उसको रेड कलर से लिख दिया अब इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो वो जो रियलाइजेबल वैल्यू जो है उसकी सिर्फ फिफ्टी परसेंट ही है तो 11000 का 50 परसेंट कितना होता है 5500 तो जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे या उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल आइटम है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू सिर्फ फिफ्टी परसेंट है तो ग्यारह हजार है उसकी तो ग्यारह हजार का फिफ्टी परसेंट जो होता है आपका दैट्स कम फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो उसका कैसा ट्रीटमेंट होगा वो भी आपको मैं थोड़ी देर में जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बनाएंगे जब मैं आपसे कहूंगा लेकिन जब मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करना शुरू करता हूं तो मैंने यहां पे देखा कि क्या इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम हा वो स्क्रीन पे ही आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में वी हैव टू प्रिपेयर थ्री कॉलम्स कौन से ती, तीन कॉलम हमको बनाना पड़ेगा नॉर्मल एबनॉर्मल और टोटल का कॉलम उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक एवरेज का ऑफ ए वर्किंग नोट इस क्वेश्चन में हमारे ट्रेडिंग अकाउंट भी है क्योंकि हमको जीपी रेशियो दिया हुआ नहीं है पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसने क्वेश्चन में हमको दिया है So, अब आप ड्रॉ करना ये जो बॉक्स में है ये आपका क्या है ये एग्जामिनेशन में नहीं लिखा ये एक्सप्लेनेशन के लिए रहता है जो रेड कलर जहां भी यूज किया समझ जाना सर ने एक्सप्लेन करो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ओके सो यहां पर इसके बाद अब आप लिखेंगे यहां से क्वेश्चन शुरू है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पीरियड फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू इलेवेंथ ऑफ नवंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन इसको ड्रॉ करेंगे सात आठ लाइन का ओके okay, इसको ड्रॉ करो सात आठ लाइन का इसके बाद आपने स्पेस रखना स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक उसके लिए स्पेस रखना उसके बाद एवरेज क्लॉस के लिए स्पेस रखेंगे एवरेज कॉस के लिए इसे तो यहां पर ये पॉइंट उसने वो दिया नहीं कुछ इसमें पॉलिसी अमाउंट दिया नहीं उसने ठीक है उसने पूछ कंप्यूटर स्टॉक स्टॉक लॉस इन फायर ठीक है एवरेज क्लॉस क्वेश्चन में नहीं दिया ठीक है यहां पे वर्किंग नोट वर्किंग नोट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवन पिछले साल का ओके okay. इसको ड्रॉ करेंगे ज्यादा नहीं पांच छह लाइन का ओके ड्रॉ ओके अब लिखना शुरू करेंगे एक एक करके सबसे पहले हम लोग स्टॉक दिया है जो स्टॉक दिया यहां पे लास्ट वन फोर टू थाउजेंड एक अप्रैल दो हजार छह पिछले साल का दैट इज थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फिर दिया है क्वेश्चन में परचेज फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सिक्स टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड से फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड लास्ट ईयर का परचेज फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड उसके बाद उसने दिया है वहां पे सेल्स फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सिक्स टू थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड सेवन लास्ट ईयर का सेल्स एट लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड लेकिन ध्यान रखना उसमें ये बाईस हजार का एब नॉर्मल आइटमी परसेंट राइट ऑफ करते पिछले साल आपने राइट ऑफ करे थे तो बावि हजार का फिफ्टी परसेंट जो राइट ऑफ है इसको इनर कॉलम में लिखना आपने दो लाख रुपए पहले बाय क्लोजिंग स्टॉक दो लाख रुपए एड अमाउंट रिटर्न बैक एड अमाउंट रिटर्न ऑफ एड बैक टू रिस्टोर एट फुल कॉस्ट लिख दो टू रिस्टोर एट फुल कॉस्ट थाउजेंड ये ग्यारह हजार रूपए कैसे आया बाविस हजार का फिफ्टी परसेंट राइट ऑफ करे थे तो दैट इज इलेवन थाउजेंड तो यह आपका आता है आउटर कॉलम पे दो लाख ग्यारह हजार रुपए एट लाख फिफ्टी फाइव प्लस दो लाख ग्यारह हजार रुपए यह आता है आपका टेन लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड टेन लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड माइनस थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड कम वन लाख सेवेंटी वन थाउजेंड से आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया इससे हम लोग निकाल सकते ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो राइट डाउन ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू वन लाख सेवेंटी वन थाउजेंड Divided by डिवाइडेड बाय एट लाख फिफ्टी फाइव 171 divided by 855 multiply by 100 20 percent. So GP ratio is इज percent. Okay, gross profit divided by sales multiply by बाय So GP ratio is ट्वेंटी percent. So इसके बाद क्वेश्चन में अपने कहा परचेज इस वक्त का दिया कितना परचेज दिया उसने अपने को थ्री लाख फोर्टी वन थाउजेंड अब ध्यान से एक एक करके मैं परचेज तो लिखता हूं लेकिन यहां पे जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज वो अपने को <coughs> पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है इस साल का वो क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक तो आप यहां पे लिखेंगे इस साल के मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक तो सबसे पहले अपन लिखते टोटल फिर एब नॉर्मल और फिर नॉर्मल टोटल एबनॉर्मल और नॉर्मल तो टोटल आपका एबनॉर्मल कितना हो रहा है कितना आपका ट्वेंटी परसेंट इस करेक्ट टोटल आपका आपका जो स्टॉक था दो लाख ग्यारह हजार का आप गड़बड़ मत करना ये ना कहना कि सर इसमें ग्यारह हजार रुपए का एबनॉर्मल वो तो राइट ऑफ करते आपने पिछले साल ग्यारह तो ग्यारह का एडबैक करके आ गया लेकिन एबनॉर्मल आइटम ग्यारह नहीं है टोटल कितना है बावीस वो था आपने वहां पर बाईस हजार रुपये पे राइट अच्छा एक और चीज बच्चे ये भी नहीं। आपने कुछ कुछ इनर में लिखते थे दो लाख अगर वो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना रहता था तो यहाँ लिखता था मैं, दो लाख प्लस ग्यारह हजार रुपए जो राइट ऑफ करो दो ग्यारह ऐसा लिखता था लेकिन यहाँ नहीं लिखने की जरूरत है क्यों क्योंकि पिछले साल का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और वहां पर हमने लिखे अभी दो लाख प्लस ग्यारह दो लाख ग्यारह तो आपका दो लाख ग्यारह हजार में से बाविस हजार अगर एप नॉर्मल है तो नॉर्मल कितना हो गया आपका वन लाख एटी नाइन थाउजेंड वन लाख एटी नाइन थाउजेंड ओके उसके बाद आपको परचेजेस दिया इसने थ्री लाख फोर्टी वन थाउजेंड का तो यहां पे अब आप लिखेंगे परचेज थ्री लाख फोर्टी वन थाउजेंड थ्री लाख फोर्टी वन थाउजेंड उसके तो बाद सेल्स दिया आपको 3, 40, 4, 35, लेकिन ख्याल रखना ये 4, 35, में जो से पांच हजार पांच सौ और लॉस कितना था पांच हजार पांच सौ कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन मेंसेंट ये ग्यारह भी ग्यारह सब सेम सेम हो गया मतलब ये बाईस फिफ्टी परसेंट ग्यारह फिर यहाँ पे भी ग्यारह फिफ्टी फिफ्टी है ना इसलिए सेम सेम हो गया अदरवाइज कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं तो आपका एबनॉर्मल आइटम का सेल्स कितना पांच हजार पांच सौ राइट डाउन सेल्स बाय सेल्स टोटल सेल्स आपका कितना है टोटल सेल्स फोर थर्टी फाइव फाइव हंड्रेड सो फोर लाख थर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड जिसमें एबनॉर्मल आइटम का सेल है पांच हजार पांच तो नॉर्मल फोर थर्टी फाइव फाइव हंड्रेड माइनस पांच हजार पांच चार लाख तीस हजार रुपए का आपका नॉर्मल सेल्स हो गया लॉस भी लिख लो लॉस अब नॉर्मल आइटम के लॉस कितना हुआ आपका पांच हजार पांच सौ ये हो जाएगा पांच हजार पांच सौ ओके अब इसके बाद सारी चीजें हमने लिख ली हां अब ये वाला जो पॉइंट है ना मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिखता हूं लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इस पर थोड़ा सा पेशेंस रखता है मैं भी एक्सप्लेन करूंगा जो रेडिंग से यहां पे लिखा हुआ है अब पे ग्रॉस प्रॉफिट आप लिखेंगे जो 20% परसेंट लास्ट ईयर का है तो ग्रॉस प्रॉफिट जो सेल्स आपका नॉर्मल सेल हुआ फोर लाख थर्टी थाउजेंड का 20% परसेंट तो फोर लाख थर्टी थाउजेंड का 20% परसेंट वो आता है आपका एट्टी सिक्स थाउजेंड तो ये एट्टी सिक्स थाउजेंड गया अब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आप कैलकुलेट करेंगे अभी जैसा बोल रहा आप वैसे करेंगे वो मैं ये वाला पॉइंट जो ऊपर लिखा हो अब नॉर्मल आइटम का जो मार्केट वैल्यू कुछ और उस पर डिस्कशन करेंगे मगर आप एक वन लाख एटी नाइन प्लस एटी सिक्स लाख सिक्सटीन थाउजेंड छ लाख सोलह हजार लाख सोलह हजार माइनस फोर लाख थर्टी थाउजेंड कम वन लाख एट्टी सिक्स थाउजेंड बाय क्लोजिंग स्टॉक This is balancing figure. That is stock on the date of fire. Stock on the date of fire. Okay, अब ध्यान से। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहूँगा। ये क्या निकालेंगे? Gross profit? 86 अच्छा 86 ठीक है, correct. Okay, अब ध्यान से। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा अच्छा हो, okay, सर क्लोजिंग स्टॉक ये 22,000 रुपए की यहाँ पे टोटल हुई। यहाँ पे आपने 22,000 रुपए लिखे और उसमें से वो क्लोजिंग स्टॉक है, है।, है। तो ग्यारह ये यहाँ पे ग्यारह अब कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं नहीं सर इसकी मार्केट वैल्यू ग्यारह नहीं है ना इसकी मार्केट इससे कम है तो ये एनआरवी पे लिखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला ट्रेडिंग अकाउंट ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें आप फुल जो भी एडजस्टमेंट रहेगा अपन नीचे करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक निकालते वक्त मगर यहाँ पे आपको फुल कॉस्ट पे लिखना है तो इसकी फुल कॉस्ट कितनी अब नॉर्मल ग्यारह वो साढ़े पांच हजार में मार्केट में बिकेगा वो बात अलग है अभी मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगा नया पॉइंट लेकिन याद रखना है, यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का परपज ही होता है कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितनी दैट्स इट जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर उसकी कॉस्ट कितनी वो पर्पज है अब ये जो है एडजस्टमेंट है जो रेडिंग से लिखा मैं नीचे एक्सप्लेन करता हूं लेकिन यहां पे आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितनी है उसकी फुल कॉस्ट यहां पे आपको लिखना है तो ग्यारह हजार रुपए यहां पर है ये आपने ग्यारह हजार रुपए यहां पर लिखे अब टोटल करेंगे आपका सिक्स लाख थर्टी एट थाउजेंड सिक्स लाख थर्टी एट थाउजेंड माइनस फोर थर्टी फाइव फाइव हंड्रेड माइनस पांच हजार पांच सौ तो यार है वन लाख नाइनटी सेवन थाउजेंड वन लाख नाइनटी सेवन तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमने निकाल दिया अभी स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक आप लिखेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर डेट ऑफ फायर नॉर्मल आइटम जो ऊपर कैलकुलेट करे वन लाख एटी सिक्सेंडनॉर्मलॉर्मल के आप इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो मैं तो बिजनेसमैन हूं मैंने कहा जिस दिन आग लगी मेरे पास गुड्स नॉर्मल भी था एबनॉर्मल भी था तो वो जो नॉर्मल था यहां पे ए ठीक है इसमें फिर

ग्यारह हजार रुपए दे दोगे क्या लॉजिकली बात करो क्या आप मुझे ग्यारह हजार रुपए दोगे क्या मैं एक बार एक थोड़ा सा हिंट देता हूं उसके बाद आप जवाब देना मेरे को कि मैंने कहा ग्यारह हजार रुपये का स्टॉक सपोज ये मेरा कैलकुलेटर ये एबनॉर्मलम एग्जाम्पल है इसकी कॉस्ट है ग्यारह हजार रुपए मैंने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया वहां पर कॉस्ट लिख भी लिया ग्यारह हजार रुपए अब आप मेरे को बताओ ये जो ग्यारह हजार रुपए जो इसकी कॉस्ट है एबनॉर्मल आइटम जो है ग्यारह हजार रुपये लेकिन आज मैं आग नहीं भी लगती आग नहीं भी लगती और मार्केट में ग्यारह तो हजार में बोला ये मार्केट में 50 इसकी जो भी तो, इसकी तो भी जो इसकी की जो मार्केट में अगर मैं बेचता तो पांच हजार पांच सौ में बिकती अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ आप इंश्योरेंस कंपनी हो और मैं कहता हूँ जिस दिन आग लगी मेरे पास एबनॉर्मल आइटम ग्यारह हजार रुपए की कॉस्ट का था लेकिन मार्केट में आग नहीं भी लगती तो पांच हजार पांच सौ का ही बिकता तो आप, बता, company, आप, आप, आप मेरे को बताओ इंश्योरेंस कंपनी क्या पूरे आप दे दोंगे मेरे को लॉजिकली बताओ मार्केट में पांच हजार पांच सौ की बिकेंगे तो क्या आप मेरे को पांच हजार पांच सौ दोगे ग्यारह हजार क्योंकि आग नहीं भी लगती तो भी पांच हजार पांच सौ में ही मैं बेच पाता तो उससे ज्यादा में तो बिकती नहीं थी तो मेरा आप मेरे को बताओ क्या आप मेरे को ग्यारह पूरे दे दोगे क्या आप मेरे को पांच पांच सौ ही दोगे अनन्या फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके करेक्ट नो no, ऑनली हाँ बर हितेश करेक्ट बेटा पांच हजार पांच सौ सही जवाब पांच हजार पांच सौ ओके हितेश किशन यास्मीन करेक्ट आंसर लॉजिक समझे ना आपको लेकिन ये लॉजिक है तो भाई आज अगर मैंने कहा उसकी एनआरवी मार्केट में उसकी रियलाइजेबल वैल्यू बोले ये एनआरवी बोले पांच हजार पांच सौ ये तो इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो आप तो मेरे को यही बोलोगे ना कि हम नहीं देते आपको ग्यारह हजार क्यों दे अगर आग नहीं लगती तो भी पांच हजार पांच सौ में विष्ट गणेश करेक्ट सुमित्रा करेक्ट अमित करेक्ट वेरी गुड प्रिया करेक्ट आकाश सब करेक्ट ओके सो यहाँ पे इसका लोअर पांच हजार पांच सौ तो आप मेरे को पांच हजार पांच सौ ही दोगे पांच हजार पांच सौ तो यहाँ पे मैं टोटल करता हूँ तो वन लाख एट्टी सिक्स वन लाख एट्टी सिक्स प्लस पांच हजार पांच सौ तो ये आता तो है वन नाइनटी वन फाइव हंड्रेड वन लाख नाइन्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और कोई गुड्स अगर बच गए तो अपन माइनस करेंगे तो क्वेश्चन में सेलवेज गुड्स उसने अपने को बोला ग्यारह हजार पांच सौ के कोई गुड्स बच गए होंगे तो सेलवेज गुड्स गुड्स सेलवेज गुड्स सेलवेज गुड्स गुड्स कितना आपका ये ग्यारह हजार पांच सौ तो यहां पे अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक आ गया है अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक ये आ जा रहा है एक लाख अस्सी हजार एक लाख अस्सी हजार तो यहां पे वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस इन फायर रुपीज वन लाख एट्टी थाउजेंड तो वो एवरेज क्लॉज पॉलिसी अमाउंट उसने दिया नहीं अपने को इसलिए वो एवरेज क्लॉज वाला नहीं आया पर यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता ओके ये आपने नया पॉइंट यहां पर सीखे ये नया पॉइंट आपने यहाँ पे सीखे ओके तो हर क्वेश्चन में कुछ नया हम लोग सीखते तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं ठीक है अब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आ सकता है क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि कभी भी क्वेश्चन ये आ सकता है क्यों क्योंकि इस इसपे अभी तक के वो नहीं हुआ क्या नहीं हुआ सर इस पर अभी तक हम लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मे टू था इस तरह का क्वेश्चन बाद में पूछा नहीं है तो इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है और मैं हमेशा कहता हूँ सेलेक्टिव स्टडी के चक्कर में जाना नहीं सी ए कर रहे हो आपको पढ़ना तो पूरा का पूरा हर चीज अपने को पढ़ के जाना है कुछ भी सेलेक्टिव वाले फंडे में अपने अपन रहना नहीं है ओके सो so, <coughs> यहां पे एक और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं अभी समय हमारे पास काफी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हम लोग करते और फिर भले ही मैं आपको आज ऑफ दे दूंगा उसके बाद उसके बाद होमवर्क भी आपको दिया जाएगा ओके सो कम टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ठीक है पर, कोई बड़ी बात नहीं फटफट -फट हो भी जाएगा मे टू में क्वेश्चन आया आरटीपी नवंबर 2019 में ऐसा क्वेश्चन दिए और सिमिलर क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी दिए

वो कॉस्ट पे लाएंगे क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का इस साल का ओपनिंग स्टॉक परचेज फॉर ईयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू सेवन पिछले साल का परचेज सेल्स फॉर द ईयर एंटी थर्टी फर्स्ट 2007 टू सेवन पिछले साल का सेल्स परचेज फ्रॉम टू सेल्स टू सेकेंड ऑफ जून टू सेवन इंक्लूड रुपीज कस्टमर

ये क्या हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी मैं आपको बताऊंगा ओके द कम द इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर रुपीज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इट इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज ऑफ लॉस क्लेम फॉर लॉस ऑफ सॉ इस क्वेश्चन में कुछ नया बस जो highlight पॉंट, ये जो हाईलाइट किया अभी आपको पॉइंट ये पॉइंट आपका नया है जो रेड कलर है ठीक है अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पिछले साल का हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि जीपी रेशो दिया हुआ नहीं है सब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पेज नंबर भी फिफ्टीन सो आप लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग एबनॉर्मल आइटम नहीं है तो, तो कोई तीन कॉलम ना मत बना देना फॉर द पीरियड फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू सेकेंड ऑफ जून 2007। इसको आप ड्रॉ करेंगे आठ दस आठ दस लाइन का ओके। okay. <coughs> आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक इसके लिए थोड़ा स्पेस रखेंगे उसके बाद इसको एवरेज क्लॉस है इस क्वेश्चन में एवरेज क्लॉस एवरेज क्लॉस में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रखना है एक नया पॉइंट इसमें आने वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखा हूं ठीक है उसके बाद फिर आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट ओके यहां पे वर्किंग नोट वर्किंग नोट नंबर वन ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू इसको ड्रॉ करेंगे चार पांच लाइन का ये क्यों बना रहे अपन क्योंकि जीपी रेशो क्वेश्चन में दिया नहीं टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ओके

टू ओपनिंग स्टॉक वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड उसके बाद स्टॉक एट नाइन्टी परसेंट ऑफ कॉस्ट पिछले साल का क्लोजिंग उसको नाइन्टी परसेंट पे तो वन लाख सिक्सटी टू नाइनटी परसेंट तो फुल कॉस्ट पे लेके आते इसको बाय क्लोजिंग स्टॉक वो अगर वन लाख सिक्सटी टू थाउजेंड अगर नाइन्टी है तो हंड्रेड कितना वन सिक्सटी टू अगर 90 है तो हंड्रेड कितना वो आता है आपका वन लाख एट्टी थाउजेंड वन लाख एट्टी थाउजेंड उसके बाद परचेज फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू सेवन पिछले साल का परचेज सिक्स लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड फिर टू परचेज सिक्स लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड उसके बाद यह सेल्स फॉर दर एंड्रेड थर्टी फर्स्ट मार्च सेवन पिछले साल का सेल्स नाइन लाख रुपीज बाय सेल्स और इस सेल इस साल का 4, लेकिन आपने देखे ये सेल्स लिखेंगे पे पे तो, इस तो हमको इसको किस में लिखना पड़ेगा इनर कॉलम में लिखेंगे सो आप टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड परचेज लिखे पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक वन लाख एटी ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर सो आपने यहाँ पे इस साल का जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए वहां पे आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक वन लाख एट्टी थाउजेंड टू ओपनिंग स्टॉक वन लाख एट्टी थाउजेंड टू परचेज और इसमें है तो इसलिए इनर कॉलम में लिखो टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सेल्स सेल्स कितना दिया हमको क्वेश्चन में फोर लाख एटी थाउजेंड उसमें भी एडजस्टमेंट तो इनर कॉलम में लिखेंगे so, sales, Then, पे अब नेक्स्ट इसमें आएंगे सेल्स अप टू सेवन इंक्लूड रुपीज द गुड्स नॉट डिस्पैच टू कस्टमर द सेल्स इन वॉइस प्राइस रूपीज सेवेंटी फाइव पचहत्तर हजार रुपए का सेल्स वो किसमें इंक्लूड सेल्स की फिगर में लेकिन तो डिस्पैच नहीं हुआ तो आपने जवाब सही किए सब्सट्रेक्ट फ्रॉम सेल्स जो जवाब दी थे इसलिए यहां पे इसको क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे तो लेस गुड्स नॉट डिस्पैच सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो आप कितना फिगर आ गया? कम वो आता करेक्ट उसके बाद नेक्स्ट है कि मशीनरी एक्वायर्ड फॉर रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड अब बताओ ये क्या होगा ये मशीनरी था आपका तो ये मश ये सेल्स में से माइनस होगा और ये किस में से परचेज अब मशीनरी परचेज की था आपने परचेज में परचेज अकाउंट में गुड्स ही आता है जब गुड्स परचेज करते हैं तो इसको मशीनरी से क्या करना पड़ेगा माइनस एंट्री क्या पास होंगी मशीनरी परचेज में से क्या करना पड़ेगा माइनस एंट्री क्या पास होंगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट तो यहां परचेज में से माइनस करो लेस मशीनरी परचेज मशीनरी परचेज नहीं आया था लेकिन गुड्स रिसीव हो गया था इसलिए इन वॉयस नहीं आया था उन्होंने एंट्री नहीं पास कर तो ये परचेज में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ये परचेज में आना चाहिए क्यों आना चाहिए क्योंकि गुड्स रिसीव हो गया जिस दिन आग लगी हमारे पास फिजिकल था तो आप यहां पे ऐड करोगे ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज वो आपका थर्टी थाउजेंड तो अब इसको आप आउटर कॉलम पे लिख दो टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस फिफ्टीन थाउजेंड प्लस थर्टी थाउजेंड आता है आपका टू लाख फोर्टी थाउजेंड तो यह आपका टू लाख फोर्टी थाउजेंड परचेज आउटर कॉलम पे आ जाएगा टू लाख फोर्टी थाउजेंड ओके अब उसके बाद यहां पे यहां पर पे सेल्वेज uh, दिया वो ये पॉइंट नया मैं एक्सप्लेन करूंगा पॉलिसी अमाउंट ठीक है अब इसके बाद आप यहां कैलकुलेट करेंगे अपन यहां पे नाइन लाख प्लस वन लाख एटी या आपका टेन लाख एटी लाख थाउजेंड minus 1 lakh 35 minus 6 lakh 45 gross profit is 3 lakhs to gross profit gross profit is 3 lakh okay now here gross profit ratio gross profit ratio equals to gross profit divided by sales Multiply बाय हंड्रेड तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका थ्री लैक्स सेल्स कितना है अपना नाइन लैक्स वन थर्ड हो गया है नाइन लैक्स मल्टीप्लाय बाय हंड्रेड थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट और यू कैन से One third of sales. Sales का one third. काफी बच्चों ने जवाब दिए थे बेटा, था. तो okay. तो हमारा हमने इस साल को जो बनाए हैं वहां पे क्या करेंगे अपन जाके ये ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट तो जो सेल्स हुआ आपका चार लाख पांच हजार रुपए उसका वन थर्ड इस कम वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड तो यहां पर आ गया आपका अब स्टॉक आ जाएगा वन एटी प्लस टू फोर्टी प्लस वन थर्टी फाइव उस कम फाइव लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड माइनस फोर लाख फाइव थाउजेंड वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो ये आ गया आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक इज बैलेंसिंग फिगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर सो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अब हम कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड सैलवेज क्वेश्चन में दिया आपको बाविस हजार पांच सो लेस सेल्वेज्ड वैल्यू बाविस हजार पांच सौ तो आपका यहां पे आ गया लॉस अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक एक लाख पचास माइनस बाईस हजार पांच सौ ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कितने किए थे अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एक लाख सत्तावीस हजार पांच सौ एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके इसकी फिक्र मत करना मैं डिस्कस करूंगा क्या है वो भी बताऊंगा अब आप मेरे को ये बताओ कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा कि ये बताओ आप मेरे को ठीक है स्टॉक कितना था जिस दिन आग लगी स्टॉक कितना था वो था मेरा एक लाख पचास हजार रुपए का पॉलिसी अमाउंट कितने की पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में दिए एक लाख बीस हजार रुपए की तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फाइव वन लाख फिफ्टी पॉलिसी इज वन लाख ट्वेंटी टेल मी क्या एवरेज क्लॉस होगा क्या एवरेज क्लॉस लगेगा क्या एवरेज क्लॉस आएगा क्या मेरे को बताओ पहले तो ये बताओ यस yes. क्यों सिंपल है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मोर देन द पॉलिसी अमाउंट सो यहां पे आप लिखेंगे एवरेज क्लॉथ है वहां पे लिखेंगे पॉलिसी अमाउंट इज ऑफ रुपीज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड वेयर एज वेयर एज एक बच्चे ने जो आंसर यहां पे लिखा है ना वो फाइनल वाला है उसने वन ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड वेरी इंटरेस्टिंग मैं उस पर बात करूंगा थोड़ी देर में ठीक है बात करता हूं वेयर इज सम दैट इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर दैट इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वो है आपका इज रुपीस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड दैट मींस इट इज ए केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस इट इज ए केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस हैंस एवरेज क्लॉस विल अप्लाई एवरेज क्लॉस विल अप्लाई सब आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाय लॉस ऑफ स्टॉक ओके सो पॉलिसी अमाउंट है आपकी एक लाख बीस हजार रुपए की और आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है एक लाख पचास हजार रुपए का मल्टीप्लाय लॉस कितना हुआ था अपना अच्छा एक लाख सत्तावीस हजार पांच सौ so, तो वन लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से so अमाउंट आता है एक लाख बीस डिवाइड बाई एक लाख पचास मल्टीप्लाई बाई एक सत्ताईस पांच सौ एक लाख दो हजार मेरे को बताओ किन बच्चों ने जो पहले से कैलकुलेट करते कई बच्चों ने एक लाख दो हजार बोले लेकिन कुछ कुछ है यहाँ पे स्टूडेंट जिसने एक चौबीस पांच सौ बोला आई रियली अप्रिशिएट जिसने एक चौबीस नहीं। हाँ एक चौबीस पांच सौ आई रियली अप्रीशिएट जिसने एक जो एक चौबीस पांच सौ जिसने आंसर दिया है ओके वेरी गुड वेरी गुड जिसने एक चौबीस पांच जो आंसर दिया नाम 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 नहीं दिख रहा मुझे सेकंड मगर दिया है किसी ने सेकंड ओके okay, ये इसने किशन ने दिया है किशन वन ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड वेरी गुड किशन अगर मैंने जैसा बोल रहा हूं अगर वैसे ही सोचो तो वेरी गुड बेटा आंसर तुम्हारा सही है अब देखो यहाँ पे आप बोलेंगे सर क्लेम तो हो गया ना बात हो गई खत्म बात हो गई खत्म सर क्लेम तो हो गया ना एक लाख दो हजार रुपए का लेकिन मैं क्वेश्चन में के, देखता और कहता है कि सर दिस हैज हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी अरे भाई सेल्वेज गुड्स कौन से थे तो जो बच गए तो जब अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक आप कैलकुलेट करते हो तो आपको एज बोले बावि पांच सौ का सेल्वेज गुड्स से है जो बच गया तो आपने वहां से माइनस करें मतलब ये होता है कि वो तो गुड्स बच गया लेकिन यही गुड्स को आपने हैंडेड ओवर किसको हैंड ओवर कर दिए या आपने किसको हैंड ओवर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को तो यही बावी सर पांच सौ रुपए ही हम मानेंगे जो उसकी कॉस्ट है वो हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे तो जो ये क्लेम है हमने ये क्लेम तो एक लाख दो हजार रुपए के एज इट इज जो नॉर्मल है वो कैलकुलेट करेंगे लेकिन जो भी आपको सेल्वेज वैल्यू दी हुई है वैल्यू जो दी वो मार्केट में देता उसके बदले मैंने किसको दे दिया पे? पे तो मार्केट में ना देते हुए तो जो बच गया ना देते हुए इंश्योरेंस कंपनी को तो उसकी वैल्यू कितनी बाविस पांच सौ वो इंश्योरेंस कंपनी से हम लेंगे तो ये क्लेम तो हाई हाई एज इट इज जैसा करते ओके लेकिन इसके अलावा हम क्या करेंगे यहां पे यहां पे ये पॉइंट आपका नया एड सैलवेस्ट देखो जैसे कलर्स में चेंज करता हूं ना वो आप भी करा करो थोड़ी दिक्कत होगी आपको लेकिन पेन रखा करो जैसे ही मैंने कलर चेंज किया तो मेरे को पता है नया पॉइंट है तो इट विल हेल्प यू जब आप रिवाइज करो इतना स्ट्रॉन्ग बनना है अकाउंट्स में कि बस नाइनटीन नाइनटी के नीचे बात नहीं करना था वो अपना टारगेट है ठीक है टारगेट पास होना नहीं है टारगेट एग्जामेशन भी नहीं है टारगेट नाइनटी प्लस है

टेकन ओवर बाय इंश्योरेंस कंपनी बाविस हजार पांच सौ सो टोटल जो आपका क्लेम होगा वो ये आ जाएगा एक लाख दो प्लस बावीस हजार पांच सौ ये लेंगे तो वो आएगा वन लाख ट्वेंटी टोटल क्लेम जो हम कौन से लेना है दैट विल बी वन लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके लाख चौबीस हजार पांच सौ ये आपने नया पॉइंट क्वेश्चन में सीखा आपने ओके सो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है अब आज का जो होमवर्क है वो मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क जो आज आपका आपका जो रहेगा आज का वो मैंने सोच के तो आया था कि आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेवेंथ आज क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर सेवेंथ आपका होमवर्क है आज का इसमें बस एक चीज ख्याल रखना ये कैरेज आउटवर्ड में हाईलाइट करके रखो यहाँ पे जो कैरेज आउटवर्ड है ये पीएनएल में जाता है और सैलरीज भी पीएनएल में जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये चीज ख्याल रखना तो गड़बड़ मत करना इसीलिए मैंने हाईलाइट करके रखो बाकी आपको करना रहेगा तो ये होमवर्क है आज उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्थ भी आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज ऑल्सो होमवर्क वैसे सोचा था आपको क्वेश्चन नंबर इलेवन भी दू लेकिन उसमें कुछ पॉइंट है क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर नाइन्थ भी होमवर्क है क्वेश्चन जो है वो मेरे को क्वेश्चन नंबर में ना आप लिख लेना रिपीट करके गलती से रिपीट हो गया तो रिपीट आप लिख सकते हो वो आपका ये है प्रैक्टिस डील के फोर्थ क्वेश्चन तो रिपीट कर लेना रिपीट लिख लेना मतलब ओके अब उसके बाद यहां पे क्वेश्चन नंबर इलेवन भी दो आ, सेवन्थ कर चुके अरे भाई मैंने तो नहीं दिया था क्वेश्चन नंबर सेवंथ आपने कर चुके तो फिर सेवन्थ मैंने होमवर्क कहाँ दिया था सेवन्थ होमवर्क नहीं दिया मैंने आपने कर ली बात अलग की नहीं करे तो कर लेना तो मैंने आपको दिया सेवन्थ और नाइन्थ इलेवेंथ भी है लेकिन इलेवंथ में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये मैं तीन होमवर्क देता हूँ आपको आज तीन होमवर्क है आपके लेकिन इलेवंथ में टाइम अभी भी अपना दस मिनट तो कुछ एक्सप्लेन करो ध्यान से सुनना इलेवेंथ की ओके अभी इलेवेंथ में क्या हुआ है सिंपल लेकिन एक पॉइंट ध्यान से समझना जो हाईलाइट कर रहा वो बोलता है वो बोलते होता था वो कहता है कि एक ऐसे गुड्स है चालीस हजार रुपए के जिसका इनवॉइस नहीं मिला और गुड्स रिसीव्ड हो गया लेकिन तो आपने बोला परचेज में लिखना चाहिए ये बोलते ना अभी तक ये एडजस्टमेंट पहले भी आया तो उसने आपने बोले कि वो इसका इनवॉइस नहीं मिला इनवॉइस नहीं मिला लेकिन आपने क्या कर इनवॉइस नहीं मिला आपको लेकिन वो गुड्स रिसीव्ड हो गया है तो आपने परचेज में लिखो उसने लिखा भी पे दिख रहा है इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग लिखा भी है तो फिर क्यों दिया कंफ्यूज कर अभी अभी तक नॉट इंक्लूडेड बोलता बट नॉट कंसिडर इन परचेज में इंक्लूड नहीं हुआ है बोलता था करना चाहिए और इसने करा भी है तो परचेज में एड करना चाहिए और इसने करा भी है परचेज में एड करना चाहिए और इसने ऐड करा भी है देयरफोर इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है समझा मैंने क्या बोला आपको ये चालीस हजार रुपए एड मत कर देना कि परचेज अरे गुड रिसीव्ड हो गया ऐड कर ऑलरेडी इंक्लूडिंग ऐड करा हुआ है

चालीस हजार रुपए का चालीस हजार इनवॉइस नहीं आया लेकिन ऑलरेडी तो करना करना तो तीन लाख सत्रह हजार जो यहाँ पे दिया उसमें चालीस हजार इंक्लूड है ऑलरेडी तो दोबारा ऐड करूंगी को वो बोलता जितने भी क्वेश्चन करे उसमें बोला ऐड नहीं था ये वाला जो गुड्स रिसीव हो गया था इनवॉइस नहीं आया वाला पॉइंट पहले भी कोई नहीं था तो ऐड करते थे अब ऑलरेडी ऐड करा हो तो दोबारा ऐड करेंगे क्या नहीं करेंगे ठीक है अब यहां पे देखो सेल्स वाला पॉइंट इसका पॉइंटन भी है मेरे पास आपको भी दिया हुआ है लेकिन आपने देखना नहीं पहले सर, आप ही बता दे रहे हो और फिर बोल रहे देखना नहीं पहले देखो क्वेश्चन नंबर ये का 11. तो ये परचेज जो तीन लाख सत्रह दूसरा एडजस्टमेंट तो उसमें चालीस एड नहीं किया उसने अब उसके बाद यहां पर यह जो पॉइंट सेल्स एक्सक्लूडिंग गुड सोल्डर अप्रूवल बेसिस बेसिसाइव अब ये फोर लाख थर्टी फाइव थाउजेंड में फोर लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड में सेल्स ऑन अप्रूवल पे जो गुड्स भेजे तो वो इंक्लूड नहीं है सेल्स ऑन अप्रूवल में जो गुड्स भेजे तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है ठीक है अब फोर लाख थाउजेंड इंक्लूड नहीं है अब मेरे को पता अप्रूवल इस ना आपने तो सर आप बोलेंगे तो फिर ये जो इसमें जो पैंतीस हजार जितने पे अप्रूवल आ गया वो तो सेल्स हो गया ना तो ये फोर लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये तो सेल्स है मगर इसमें सेल्स ऑन अप्रूवल वाला इंक्लूड नहीं तो नीचे कहते अप्रूवल हैज रिसीव फॉर ऑल द गुड्स गुड्स पूरे पूरे के के रुपए लिए अप्रूवल मिल गया तो ये पैतीस हजार रुपए भी इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक्सक्लूडिंग इसमें इंक्लूड नहीं था सिंपल सी चीज है कि आपने ये चार लाख पचपन हजार का सेल कर इसमें अप्रूवल वाला नहीं है बोलता है और अप्रूवल वाला जो भेजा आपने वो पैंतीस थर्टी फाइव थाउजेंड का था और सब पे अप्रूवल आ गया हंड्रेड परसेंट पे मीनस ये सेल हो गया सब पे अप्रूवल आ गया तो मतलब ये सेल हो गया पूरा का पूरा तो इसलिए फोर लाख फिफ्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव

वो स्टॉक विद कस्टमर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं दिख रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कस्टमर पूरा का पूरा अप्रूवल आया तो सेल्स में ऐड करें क्यों ऐड करें क्योंकि ये जो आपका 4, 55, जो आपका पे लिखा है उसमें पैंतीस हजार रुपए इंक्लूड नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है आप एक बार ट्राई करोगे डाउट रहा तो फिर मैं पे इसको डिस्कस ये आप होमवर्क तीन करके आओगे तो ये सेशन मैं यहां पे खत्म करता हूं लेकिन अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं दो मिनट लाइव रहता हूं अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को चैट बॉक्स में वहां पे डाउट अगर कुछ है तो पूछ लो मैं भी जवाब दे दूंगा ओके कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे पढ़ाई रेगुलर हाँ ये करना ही अपने कुछ कम क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है फिर जो आपको फिर remember, जब अपने तो बात करते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट है लॉस ऑफ स्टॉक वाला ऑलमोस्ट खत्म हो गया बस नेक्स्ट सेशन में थोड़ा टाइम लगेगा और ये खत्म नेक्स्ट सेशन में लॉस ऑफ प्रॉफिट का डिस्कशन शुरू कर दूंगा ओके okay? ओके okay, तो कोई डाउट नहीं है तो ये सेशन हम लोग यहां पे खत्म करते टेक केयर बाय बाय